Hi everyone, this is our 14th tutorial in which we are going to deal with navigation bar. इस tutorial में हम देखेंगे हम किस तरह से navigation bar बना सकते हैं. तो ये मैंने basic syntax लिखा और इसको हम save करते हैं. तो इसको मैं save कर लेता हूँ navigation.html. तो save कर लिया, जहाँ पे ये save हुई है वहाँ पे जाके हम इसको run करते हैं. दिस वन navigation.html. तो अभी फिलहाल ये ब्लैंक है क्योंकि अभी इसमें कुछ भी चीज़ हमने रिटर्न फॉर्म में नहीं लिखी. navigations आर नथिंग बट दे आर जस्ट लाइक लिस्ट आइटम्स एंड दीज लिस्ट आइटम्स देन सेट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. हम navigations बार असल में आपकी अनऑर्डर लिस्ट होती हैं जिसमें हम बुलेट्स ख़त्म करते हैं और उसको हम लेफ्ट टू राइट मूव करवा देते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं. आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि हम यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट क्यों बना रहे हैं. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अनऑर्डर लिस्ट हियर. तो वी विल मेक अनऑर्डर लिस्ट और यहाँ पे हम अपनी पहली वैल्यू लिखेंगे एंड द पहली वैल्यू विल बी विद इन द लिंक हियर. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड लिंक वी विल गो देयर एंड राइट ahref इज इक्वल टू डबल कोटेशन हैश हैश शोज द डमी backslash anchor tag close. okay, यहाँ पे हम अपनी पहली वैल्यू लिखेंगे एंड द पहली वैल्यू इज होम. सेव एंड रिफ्रेश. तो यहाँ पे आपको होम लिखा हुआ नजर आएगा. जस्ट गो देयर एंड डुप्लीकेट इट. राइट दिस स्टफ यू वांट टू शो इन टू योर नेविगेशन बार. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गो एंड राइट हेयर साइन अप profile gallery downloads. काफ़ी ही इतने. save and refresh. तो यहाँ पे आपको कुछ इस किस्म की चीज़ नज़र आएगी. let me zoom it. मैं इसको zoom कर देता हूँ कुछ ऐसे. सबसे पहला काम ये आप ये करें कि आप ये जो बुलेट्स हैं आप इन बुलेट्स को रिमूव कर दें. इन ऑर्डर टू रिमूव द बुलेट्स वी विल हैव टू गो इनटू द स्टाइल और यहाँ पे जाके हम टारगेट करेंगे किसको. यूएल को, अनऑर्डर लिस्ट को. यूएल में जाके हम लिख देंगे लिस्ट स्टाइल टाइप. लिस्ट स्टाइल टाइप मस्ट बी नन. सेव एंड रिफ्रेश. तो वी कैन सी दैट द बुलेट्स आर नो मोर देयर. अब हम चाहते हैं कि ये जो टॉप टू बॉटम डायरेक्शन है ये लेफ्ट टू राइट हो जाए. इन ऑर्डर टू मेक दिस डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वी विल राइट यू एल स्पेस एल आई. यू एल एल आई मीन्स कि हम एल आई को टारगेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे जाके आप लिख देंगे फ्लॉट लेफ्ट. फ्लॉट का लफ्जी मतलब होता है किसी चीज़ को बहाना, यानी कि बहाव, फ्लो किसी चीज़ का. हम चाहते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये लेफ़्ट टू राइट शो हों. तो जस्ट गो देयर एंड राइट यू एल एल आई विद इन दिस ब्रैकेट वी हैव टू राइट फ्लॉट लेफ्ट. सेव रिफ्रेश. तो जब आप फ्लॉट लेफ्ट करेंगे तो ये लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन हो जाएगी. अब हम इन में थोड़ा सा गैप देना चाहते हैं. वी वॉन्ट टू मेक सम गैप्स बिटवीन होम साइन अप प्रोफाइल प्रोफाइल गैलरी एंड गैलरी डाउनलोड्स. इन ऑर्डर टू मेक सम गैप्स वी हैव टू गो देयर एंड राइट यू एल एल आई ए. Since these all the values are written between anchor tag, ये जो values आपकी हैं anchor tag में लिखी हुई हैं, तो इसलिए आप ul में li में जाके a को tag करेंगे. a में जाने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे margin. For example, यहाँ पे मैं margin लिखता हूँ 20px. save refresh. तो आपको यहाँ पे कुछ gaps नज़र आएगा. इसको थोड़ा मैं zoom out कर देता हूँ. okay, this one. हम चाहते हैं कि ये जो हम चाहते हैं कि ये जो ब्लू अंडरलाइन है ये ब्लू अंडरलाइन टेक्स्ट ना हो. तो हमें यहाँ पे जाना होगा. तो बेहतर ही होगा कि आप इन वैल्यूज़ को न्यू सिरे से लिखा करें कुछ ऐसे. ओके, देयर विल बी नो इफेक्ट इफ़ यू राइट द मार्जिन बिलो दिस लाइन. सेव रिफ्रेश. तो देयर इज़ नो इफेक्ट. ओके, अब हम लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन. सेव
रिफ्रेश, तो ये आपको अंडरलाइन में नज़र नहीं आएगा। इसका कलर अगर आपने ब्लैक करना है तो आप अपनी मर्जी से कलर ब्लैक सेट कर सकते हैं। सेव एंड रिफ्रेश। नाउ दिस इज लुकिंग सम ब्यूटीफुल। ओके, इन ऑर्डर टू हैव सम बैकग्राउंड, इन ऑर्डर टू गिव इट बैकग्राउंड वी हैव टू गो देयर एंड राइट। देखिए जहाँ पे आपने लिखा था ना ULLI, सो जहाँ पे आपने UL लिखा था, UL में जाने के बाद आपको कुछ प्रॉपर्टीज सेट करनी पड़ेंगी। लेट्स सपोज, देखें अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड टैन, टैन इज अ ब्यूटीफुल कलर, सेव रिफ्रेश, तो देर विल बी नो इफेक्ट ऑन द बैकग्राउंड कलर। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको एक प्रॉपर्टी मैंशन करना पड़ेगी एंड द प्रॉपर्टी इज ओवरफ्लो हिडन। वी विल टॉक अबाउट इट इन टू नेक्स्ट ट्यूटोरियल। ओके, सेव रिफ्रेश। तो यहाँ पे आपको कुछ इस किस्म की एक कलर स्ट्रिप नज़र आएगी। तो थोड़ा और वर्किंग करेंगे, एल आई ए में जाने के बाद यहाँ पे जाके आप लिख देंगे डिस्प्ले ब्लॉक, सेव एंड रिफ्रेश। नाउ दिस इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। ब्लॉक मीन्स आपको यहाँ पे ये ब्लॉक नज़र आएंगे। दिस वन इज़ अ ब्लॉक, दिस वन इज़ ऑल्सो अ ब्लॉक, दिस वन इज़ ऑल्सो ब्लॉक, द एवरी थिंग विद इन दिस टेन इज़ ब्लॉक, दिस इज़ अ ब्लॉक। अब यहाँ पे आपको कुछ स्पेस नज़र आएंगी, जैसे ये स्पेस है और ये भी स्पेस है। इन ऑर्डर टू मूव दिस स्पेसिस वी हैव टू गो देयर राइट बैक एंड वी हैव टू राइट मार्जिन, सॉरी वी हैव टू गो इन टू यू एल बिकॉज दिस स्पेस मस्ट बी रिमूव। तो यू एल में जाने के बाद आप लिख देंगे मार्जिन ज़ीरो एंड ऑल्सो राइट एज पैडिंग ज़ीरो, सेव एंड रिफ्रेश। नाउ दिस विल बी मूव फ्रॉम अपवर डायरेक्शन। अगर आप फर्दर ये स्पेस भी मूव करवाना चाहते हैं तो ये स्पेस आपकी बॉडी बॉडी में आ रही हैं, तो आपको बॉडी में जाके मार्जिन और पैडिंग दोनों ज़ीरो करनी होगी। तो जस्ट गो देयर राइट हेयर बॉडी, वी आर टारगेटिंग द बॉडी, देन वी विल राइट मार्जिन ज़ीरो, पैडिंग ऑल्सो ज़ीरो, सेव एंड रिफ्रेश। ओके, तो दिस इज़ द नेविगेशन बार रेडी। तो ये आपकी नेविगेशन बार रेडी होगी। अब इसमें हम थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड करेंगे, और वो स्टाइलिंग ये है कि हम चाहते हैं कि जब हम इस पर माउस होवर करें तो इसका कलर चेंज हो जाए, तो कलर थोड़ा चेंज करते हैं। दिस इज़ नॉट सम ब्यूटीफुल, तो मैं लिख देता हूँ स्लेट ग्रे, स्लेट ग्रे कलर हो गया इसका। फॉन्ट फैमिली चेंज कर लेते हैं, तो जस्ट गो देयर एंड राइट फॉन्ट फैमिली एरियल, सेव एंड रिफ्रेश। नो दिस इज एरियल, इसका कलर थोड़ा कर देते हैं वाइट। उप्स, कलर तो मेंशन नहीं किया, कलर वाइट, सेव रिफ्रेश। नो दिस इज लुकिंग सम वेरी ब्यूटीफुल। हम चाहते हैं जब हम इस पर माउस रखें, माउस होवर करें, तो इसका कलर चेंज हो। इन ऑर्डर टू क्रिएट होवर इफेक्ट गो टू द नेक्स्ट लाइन। ओके, गो टू द नेक्स्ट लाइन एंड राइट हेयर ULLI होवर। ULLI होवर मीन्स कि जब हम ये UL है, जब UL में जो LI है, ये LI है, लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम। जब हम लिस्ट आइटम पे माउस ओवर करेंगे तो फिर क्या होना चाहिए? तो फिर होना ये चाहिए कि बैकग्राउंड आपका हो जाना चाहिए डार्क कलर और फॉन्ट का कलर हो जाना चाहिए वाइट। सेव एंड रिफ्रेश। ये वर्किंग कर रहा है। ओके ओके, तो क्या होगा अगर मैं यहाँ पे जाके ए लिख देता हूँ, सेव रिफ्रेश। तो देखिए जब मैं इस पर माउस ओवर करूँगा तो कोई इफेक्ट नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब मैं एल आई ए पे, क्योंकि ये एंकर टैग के अंदर है ना, जो सारी चीज़ें, ऑल दीज वैल्यूज आर रिटन विद इन द एंकर टैग। लेट मी शो यू समथिंग। तो दीज ऑल द वैल्यूज आर रिटन बिफोर द ए। तो जब हम यहाँ पे ए को मैंशन करेंगे तो होवर इफेक्ट ए पे ऐड होगा। अगर हम यहाँ पे जाके एल आई पे ऐड करेंगे, सेव रिफ्रेश, तो देखिए जब मैं इस पे माउस रखूँगा तो ये चीज़ इस किस्म की नज़र आएगी। और कर्सर पॉइंटर कर दें इसका, कर्सर पॉइंटर, सेव एंड रिफ्रेश। नाउ द हैंड साइन इज़ शोन। ओके, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल।
ओके, दिस इज़ आवर नेविगेशन बार रेडी। इसमें फर्दर और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको मैं अभी नहीं बता सकता, आने वाली ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखें, आपने वेबसाइट में देखा होगा कि जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक नया पेज ओपन होता है उसी विंडो में। इस पर क्लिक करते हैं तो और पेज ओपन होता है, इस पर क्लिक करते हैं तो और पेज ओपन होता है। मैं आपको थोड़ी सी एग्जाम्पल देता हूँ, देखें यहाँ पर मैंने एक साइन अप का बना के रखा हुआ है वेब पेज, ये देखें, ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है और इसका नेम मैंने रखा हुआ है साइन अप, देखें signup.html। तो क्या होगा अगर मैं, देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये पेज ओपन होना चाहिए, लेकिन नेक्स्ट टैब में नहीं, उसी टैब के अंदर। तो देखें आप क्या करेंगे, आप अपनी पेरेंट फाइल में जाएंगे, साइनअप में जहाँ पे आपने हैश लिखा था उसको रिमूव कर दें और वहाँ पे आप वो चीज़ लिखें जो फाइल का नेम है। जैसे जैसे देखें ये आपकी navigation.html एंड signup.html बोथ टू फाइल्स आर इन द सेम फोल्डर। सो जस्ट कॉपी द फाइल नेम, जैसे यहाँ पे है signup.html, तो गो इन टू नोटपैड प्लस प्लस एंड राइट द नेम ऑफ द फाइल signup.html, सेव एंड रिफ्रेश। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपका साइन अप का पेज ओपन होगा। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो गो टू द बैक पेज, देखिए जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपका साइन पेज ओपन होगा, साइन अप का पेज ओपन होगा। यहाँ पे अब प्रोफाइल आ गई, तो यहाँ पे प्रोफाइल की जगह हमें कुछ ऐसा लिखना होगा कि वही पेज ओपन हो। तो मैंने ऑलरेडी पेज बना के रखा हुआ है और फोल्डर का नेम है प्रोफाइल इन्फो एंड दिस इज द दैट फाइल दैट वी वॉन्ट टू ओपन इन आवर वेब ब्राउजर। तो पहले मैं आपको ये फाइल ओपन करके दिखा देता हूँ, दिस वन इज़ फाइल, ओके। तो गो टू द पेरेंट फाइल, देखें अब आपको थोड़ी सी जहमत करनी होगी। देखिए ये जो आपकी फाइल है, दिस फाइल इज़ लोकेटेड इन द प्रोफाइल अंडरस्कोर इन्फो फोल्डर एंड राइट आफ्टर दिस द फाइल इज़ लोकेटेड हेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू मैंशन द फोल्डर नेम, दिस इज़ द फोल्डर नेम। सो जस्ट गो टू नोट पैड प्लस प्लस, पेस्ट द नेम ऑफ दैट फोल्डर, दिस इज़ द फोल्डर नेम, बैक स्लैश into this folder name, this one is a file that we want to open. So go to notepad++, write the name of the file .html, save and refresh. Okay. तो देखिए जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो साइन अप ओपन होगा, दिस वन, ओके। ये आपको पता है कि ये किस तरह से बनाया जाएगा। गो बैक, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक न्यू पेज ओपन होगा, दिस इज ऑल्सो अ न्यू पेज। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा पर्सनल डाटा आना चाहिए, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी वर्क एंड एजुकेशन आनी चाहिए, जब मैं फैमिली एंड रिलेशनशिप पे क्लिक करूँगा तो मेरा वो डाटा आना चाहिए, जब मैं लाइफ इवेंट्स पे क्लिक करूँगा तो वो डाटा आना चाहिए, जब मैं फ़ोटोज़ ऑफ मी पे क्लिक करूँगा, ये मेरी पिक है 2016 की। और देखिए मैंने इस पर इफेक्ट ऐड किया है, जब मैं इस पर माउस ओवर करूँगा तो बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन शो होगा, जब मैं इस पर माउस ओवर करूँगा तो दिस इट विल कन्वर्ट इनटू ब्लैक एंड वाइट कलर। तो ये ट्यूटोरियल में हम आने वाली ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो जस्ट ये देखेंगे व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ नेविगेशन बार इन अ वेब ब्राउज़र। एक्चुअली नेविगेशन बार इज़ एक्चुअली द सम ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस दैट आर यूज एंड दैट पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ वेबसाइट। तो देखें जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक और पेज ओपन होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज ओपन होगा क्योंकि हमने वो अभी बनाया नहीं है, तो प्रोफाइल का एक अलहदा होगा। इस तरह से अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अलहदा एक चीज़ आनी चाहिए, डाउनलोड्स पे क्लिक करूँगा तो अलहदा चीज़ आनी चाहिए। तो ये सारी वर्किंग होती है नेविगेशन बार की। तो ये हमारा ट्यूटोरियल था जिसमें हमने देखा कि नेविगेशन बार क्या होते हैं, किस तरह यूज़ होते हैं और इनका बेसिक पर्पज़ क्या है। तो कीप प्रैक्टिस, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।